इसके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी कि किसी के अगेंस्ट में आप लीगल एक्शन करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पूजा करते हैं जिस पेड़ की आप पूजा करते हैं, जिस हवा की पूजा करते हैं, जिस पानी की आप पूजा करते हैं, और किसी चुआचूत को नहीं मानता। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम कंडीर, आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में, हम लोग कवर करने वाले हैं। और पहला टॉपिक रहेगा कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, यानी कि प्रकृति को हम भगवान मानते हैं। तो भगवान मानते हैं तो कैसे मानते हैं? अगर भगवान हम लोग प्रकृति को मानते हैं तो हम अपनी पब्लिक के साथ जोहर। आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के सामने दो टॉपिक, दो ऐसे मुख्य विषय पर बातचीत करने वाले हैं। और पहला टॉपिक है कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, यानी कि हम प्रकृति को भगवान मानते हैं, उसका पूजा करते हैं। तो हम मानव सभ्यता में किस तरह से हम अगली जिंदगी, यानी कि हमारी पुरखों की जो देन है, उसको हम किस तरह से व्यवहार में लाते हैं, तो क्या हमारे मानव सभ्यता पर असर पड़ सकती है, ये चीज हम लोग बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है कि हमारे प्रखंड में, यानी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट के, मेरा गांव के प्रखंड में, मेरा प्रखंड में भी ऐसे काय रसन दुकान है, डीलर की चलाए जाते हैं। उस डीलर के थ्रू यानी कि लीगल एक्शन होने वाली है। और ये चीज मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे सब पर्सनल सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसके साथ लीगल एक्शन होने वाली है तो कैसे, क्योंकि मैंने उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और वही हमारे ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, उस सारा लोग का सपोर्ट है और उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, यानी कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। इतिहास इसका गवाह है, सबको ये जानता है, सबको ये समझता है, जितना भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी कहा जाए तो धर्म गुरु भी, यहाँ तक कि आदिवासी की धर्म गुरु भी प्रकृति को भगवान मानता है, प्रकृति को पूजा करता है, उसकी आराधना होती है, उसकी अर्चना होती है। तो आदिवासी प्रकृति पूजक है, या आदिवासी पुरखों से ही प्रकृति को पूजा करते आ रहा है, ये चीज आज की तारीख में सबको पता चल गया होगा। और यही नारा हर एक पब्लिक पर, हर एक जनता पर नारा लगाई हुई है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। इतिहास में भी ये गवाह है कि प्रकृति पूजा आदिवासी है। तो ऐसे कई सारे हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे ऐसे कई जानकारी लोगों ने इसका सर्टिफाई किया, इसका सत्यापन किया कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। इतिहास में भी इसका गवाह हो गया है कि आदिवासी ही प्रकृति पूजा है, यानी कि प्रकृति को ईश्वर मानता है, प्रकृति को भगवान मानता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है आदिवासियों में, और इसीलिए उन लोगों को सनातन धर्म की मांग की जा रही है। और 2021 में उन्हीं लोगों के लिए होगी जो आदिवासी जो प्रकृति पूजक करते हैं। ये बात तो आप सबको पता चल गया होगा कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, या फिर ऐसे कई जानकार लोगों से आप उसका जिक्र कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका सही परिभाषा आप जान सकते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक कैसे है। या फिर हमारे वीडियो भी ऐसे है, कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। पिछले एक दो महीने में वो वीडियो बन के तैयार हो चुका है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। और 2021 में सरना कोड लागू होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सरना कोड क्या है उसके बारे में भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, ये चीज प्रकृति के जितने भी, इस झारखंड के जितने भी आदिवासी लोगों ने जाना, आदिवासी लोगों ने समझा कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। यदि आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, यानी कि किसी पेड़ को पूजा करते हैं, वैदवे आप लोग किसी पेड़ को पूजा करते हैं, उस पेड़ सारे इंसान के लिए, सारे मानव जाति के लिए बराबर मायने रखती है। किसी वन पर्टिकुलर यानी कि किसी एक के अगेंस्ट में वो अपना जो भी देती है, जैसे ऑक्सीजन आप जानते हैं, वो चीज किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक जीव के लिए नहीं, जो भी आप हवा, सूर्य, प्रकाश, जो भी धरती, जो भी आप मानते हैं, हवा, पानी, जो भी मानते हैं, वो चीज, वो पदार्थ किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, किसी एक अगेंस्ट के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए बराबर मायने रखती है। जहां तक आप प्रकृति को पूजा करते हैं, प्रकृति को खुदा मानते हैं, प्रकृति को भगवान मानते हैं, वो प्रकृति
सबकी मानव आजादी के लिए बराबर की हिस्सेदारी है और बराबर इसको बचाए रखना हर मानव सभ्यता का ये एक धर्म भी है। ये चीज हम अपनी इंसानियत में ये चीज नहीं भूलना चाहिए। यही को मद्देनजर में रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि प्रकृति पूजक है आदिवासी। ये चीज आज की तारीख में भी ऐसे कई बड़े बड़े बुजुर्ग, ऐसे कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने ये भी माना कि आदिवासी ही प्रकृति पूजक होते हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। तो जब बात आती है कि आदिवासी प्रकृति पूजक मानते हैं, यानी कि प्रकृति में जितने भी पड़े हुए हैं, हवा, पानी, धरती, सूर्य, जो भी है प्रकृति में, हवा पानी से लेके, उसको पूजा करते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकृति की आप पूजा करते हैं, जिस पेड़ की आप प्रकृति की आप आराधना करते हैं, जिस जल की आप पूजा करते हैं, जिस पेड़ की आप पूजा करते हैं, जिस हवा की पूजा करते हैं, जिस पानी की आप पूजा करते हैं, वो किसी चुआचूत को नहीं मानता। सच में किसी चुआचूत को नहीं मानता। और आप खुद को प्रकृति पूजा कहने पर भी किसी को आप चुआचूत मानते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है और कल की तारीख में आदिवासी को इस पहचान नहीं मिल सकती। ये चीज मैं ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, परंतु आदिवासी अगर किसी चुआचूत को मानता है तो अपनी धर्म की, अपनी पहचानता की खो रही है। ये बात सच है, इसीलिए आदिवासी प्रकृति पूजक है। और जो भी प्रकृति पूजक खुद को मानता है वो किसी चुआचूत को नहीं मानता, क्योंकि उसकी धर्म नेचुरल से जुड़ी हुई है, नेचुरल यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई है। और प्रकृति किसी चुआचूत को नहीं मानता, यानी कि पेड़ किसी चुआचूत को नहीं मानता, धरती किसी चुआचूत को नहीं मानता, हवा किसी चुआचूत को नहीं मानता, सूर्य का प्रकाश किसी चुआचूत को नहीं मानता। और आदिवासी इसी प्रकृति को पूजते हैं और जिसे अपना खुदा मानते हैं। पॉइंट नंबर वन, यही खुदा जिसने मानव सभ्यता ने माना है, ओ खुदा किसी चुआचूत को नहीं मानता, तो आपकी समुदाय चुआचूत कैसे मान सकती है? आपकी समुदाय चुआचूत कैसे मान सकती है? आप जो जिसे पूजा करते हैं, आप जिस पेड़ की आराधना करते हैं, आप जिस जल की पूजा करते हैं, आप जिस पेड़ की पूजा करते हैं, आप जिस प्रकृति की पूजा करते हैं, वो किसी चुआचूत को नहीं मानता, तो आप चुआचूत क्यों मान सकते हैं? सवाल नंबर वन उठती है कि अगर आप किसी चुआचूत को मानते हैं, समझ लीजिए आप किसी समुदाय की अगेंस्ट में जा रहे हैं आप, और आप आदिवासी के हित में गिना नहीं जाओगे। किसी एक के पार्टिकुलर में आप गिना जाओगे, किसी एक के पार्टी में आप गिना जाओगे, जिसे आपकी पहचान मिटती जाएगी, मिटती जाएगी। क्योंकि भाई प्रकृति को आप पूजा करते हैं, उसे किसी चुआचूत को नहीं मानता, किसी चुआचूत नहीं है, और आप उसे चुआचूत मानेंगे तो आपकी पहचान होना तो विनाश है। और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि हमारे प्रखंड में, यानी कि उसका नाम नहीं बताऊंगा, ये बताना ओपनली गलत है, जिस दिन वीडियो उसकी पोटिज आएगी और चीज हमारे मुंडारे टीवी पर जरूर आएगी। मैं उसका जहां तक कोशिश जरूर करूंगा कि वीडियो आप तक, आप हमारे पर्सनल है, सब्सक्राइबर है, आपने इतना सपोर्ट किया, ये चीज मेरा भी दिखाने का पर्स आपका है और मेरा भी है। इसीलिए हम अपने प्रखंड में पिछले 5 साल से ओ डीलर अपनी जनता के खिलाफ बड़ी खतरनाक काम कर रहे हैं। खतरनाक काम क्या करता है कि पिछले 3-4 में जो भी लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में जनता को सही अनाज, यानी कि सही मूल्य पर अनाज, सही तरीका से अनाज उसको मुहैया नहीं किया है। और पिछले 5 साल से भी ओ डीलर जनता को एक गलत तरह से, गलत तरह तो क्या, जितना जनता को अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि जितने अनाज मिलना चाहिए, वो अनाज पिछले 5 साल से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उस गांव के सारे लोग, यानी कि जिसकी कस्टमर कहा जाए तो जिस डीलर की कस्टमर, उस कस्टमर को काफी परेशान है। और वो करना चाहती है कि उसकी अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन हो जाए। जब उससे कोई बात करता है, उसे कोई बंदा बात करता है, तो कहता है कि करो, जो करना है कीजिए, जो करना है कीजिए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे डीलर वो धमकी देता है, ऐसे डीलर वो कहता है। आज उसी के अगेंस्ट हमारे प्रखंड, इसका नाम नहीं बता सकते और कौन है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो में आप लोग जरूर दिखिएगा। और ये चीज जिस दिन एक्शन होगी, वो दिन सारे हमारे
पंचायत के हमारे जितने भी पंचायत से लेके जिला लेवल के पदाधिकारी लोग यानी कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग संबोधित होंगे और वो दिन आएंगे। वो लोग सारे मीडिया लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सब भी हमारे क्षेत्र में उपस्थित होंगे वो दिन। और वो दिन ऐसे वीडियो वायरल होगा, आप लोग देखिएगा अपनी मुंडारी टीवी पर देखिएगा ही और बाकी सोशल मीडिया पर भी ये चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया है इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपने जिससे सपोर्ट किया है, आपने जिसका चैनल सब्सक्राइब किया है, आपने जिसको लाइक किया है, आज वही बंदा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आज वही ब्लूप्रिंट से एक्शन होने जा रही है। आप सब देखेगी पेपर मीडिया सारे सोशल मीडिया पे इसका वीडियो जरूर वायरल कराऊंगा और वायरल होगी। आप लोग देखिएगा कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप देखिएगा किस तरह से मीडिया की दुनिया पे एक्शन होती है और एक्शन होती है तो क्या होती है आप लोग अपनी आंखों से देखोगे और देख के आपकी आंखें खुली रह जाएगी। इसीलिए इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन होने वाली है। और बात होती है सपोर्ट की, सपोर्ट की जब बात होती है तो आप इतना बड़ा क्यों कर सकते हैं। जब बात होती है सपोर्ट की तो सपोर्ट होती है कि पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट तक कि जितने भी पदाधिकारी बीसी डीसी सोबी एमओ सब जो भी खाद्य पदार्थ आपूर्ति कस करके ये बात होती है खाद्य की बात होती है एंड की राशन की बात होती है, उसके जितने भी विभाग में काम करने वाले सारा कोई को पता चल गया होगा, क्योंकि पर्सनल भी मेरे केविंग पे आके हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ऐसे कई बड़े साहब लोग बुद्धिजीवी लोग आया और उसने मेरे को गाइडलाइन बताया, मेरे को उसने मेरे को कुछ गाइडलाइंस यानी कि समझौता दिया कि ऐसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ऐसे होता है, ऐसे एक्शन लेते हैं, उसके बारे में काफी बातचीत हो गया है। और इसके अगेंस्ट में उस बंदा के अगेंस्ट में यही महीना एक्शन लिया जाएगा। आप सब मीडिया लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के कष्ट करके तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मीडिया लोग जरूर आएंगे। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आप लोग इस मुंडारी टीवी की माध्यम से जरूर देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग सवाल करेंगे कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा काय है तो आप मेरे साथ यानी कि मेरे को हमको मैं व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है उससे भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल चैट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चैट करने का एक कंडीशन है कि आप सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ही आप चैट कर सकते हैं और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब उसमें भी बात होगी कि ब्लूप्रिंट तैयार कैसे होगी, ब्लूप्रिंट तैयार करना है तो क्या क्या करना होगा उसके बारे में भी कभी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी कि किसी के अगेंस्ट पे आप लीगल एक्शन करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या जरूरी होती है, किससे मिलना होता है, किससे परमिशन लेना होता है, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में जानेंगे। या फिर आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में इसके लिए ही टॉपिक तैयार करूंगा। और बात हो रही थी कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, क्योंकि प्रकृति नेचुरल किसी पेड़ किसी हवा किसी पानी को किसी अगेंस्ट के खिलाफ छुआछूत नहीं मानता है। और कल की तारीख में अगर प्रकृति पूजने वाले किसी तरह की छुआछूत अगर मानेगी तो सरकार उसे डिसाइड कर देगी, ये बात सच है। इसीलिए आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, आदिवासी किसी छुआछूत को नहीं मानता है, आदिवासी किसी छुआछूत को नहीं मानता है, किसी जाति धर्म को नहीं मानता है, क्योंकि आदिवासी वो लोग हैं जो अनधिकाल से रहते आ रहे हैं, उसके पास किसी तरह की ज्ञान ना होने के कारण अलग अलग तरह की राजनीति पार्टी उसको जोड़ के झाड़ के इधर उधर करा रही है, यह बात सच है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी अगेंस्ट पे लीगल एक्शन होगी तो कार्रवाई क्या क्या होगी। सबसे पहले तो एमओ साहब डीसी उसको बुलाएगा, डीसी उसको बुलाएगा, उससे बातचीत करेगा, उसकी जानकारी लेगा कि आपने क्या क्यों ऐसा क्यों किया। सबसे पहले एक्शन वो होगी और जवाब अगर नहीं दे सका तो उसके थ्रू से रिकवरी यानी कि उसको रिकवरी करना पड़ेगा, फिर से वापस देना पड़ेगा और वापस देने के लिए लगभग उसको 15 लाख तक का रिकवरी हो सकती है उससे। और ये सबसे बड़ी मेहनत होती है कि वो डीलर उसका लाइसेंस यानी कि उसका लाइसेंस तो रद्द होगा ही होगा, साथ में उसके थ्रू भी जितने भी इलीगल तरीके से उसने किया है जमा किया है उसका भी रिकवरी 15 लाख रुपए तक हो सकती है। इसीलिए इंडस्ट्रिक्ट तो रहेगी ही और इंडस्ट्रिक्ट
होगी, क्योंकि 5 साल से, 1 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 1 साल से नहीं, पिछले 5 साल से ऐसे धांधली का काम कर रहा है और इसी के अगेंस्ट पे लीगल किया जा रहा है, लीगल काम यानी कि लीगल एक्शन लिया जा रहा है। आप सब जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी आज के बाद कोई डीलर किसी पब्लिक के अगेंस्ट पे धांधली नहीं कर सके। इसीलिए वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक ये वीडियो पहुंच जाने चाहिए कि मुंडारी टीवी में डीलर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है, ये बात इतना फैला दीजिए। और हाँ, आप अगर चैनल में नया आए हैं तो चैनल को ऐसा ही नहीं दीजिएगा, ऐसे ही नहीं जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि पता चल जाएगा हमको, मेरे को पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किस तरह से है, क्यों बनाया है, क्यों बनाए थे, बनाए थे तो मेरा उद्देश्य क्या था। ये चीज आप पसंद जरूर आइएगा और मेरे को इसी सपोर्ट से अगली टॉपिक के लिए मैं ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जिसे आपको एक नया जानकारी, नया संदेश जरूर मिलेगा। इसीलिए आज का ये 2 टॉपिक आपको कैसा लगा हमारा मुंडारी टीवी यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं अगली बार फिर आऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। जोहर जरखंड, जय आदिवासी।